Dear students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes. And in this lecture, we will discuss about one electron transfer reactions via outer sphere mechanism. तो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहाँ पर हम डिफरेंट सीरीज देख रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की और यहाँ पर हम इस लेक्चर में स्पेशली पढ़ने वाले हैं वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कैसे होती हैं और वो कैसे मैकेनिज्म से होती हैं, वो किससे होती हैं, वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से होती हैं। इससे पहले आपने देखा था कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है वो एक पार्ट है किसका, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का, यानी ये एक टाइप की क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन हम इससे पहले पार्ट 8 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हम वन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन बाई आउटर स्फीयर मैकेनिज्म देखेंगे। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में होता क्या है, देखिए मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी और हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करेंगे तो एक स्पीसीज जो कि रिडक्टेंट होगी, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, रिएक्टेंट का कम होगा, और एक ऑक्सीडेंट होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाई होगी। तो ये रिडक्टेंट, इसको हमने देखिए मेटल सेंटर एक ही है, एक ही से हो सकते हैं या ये अलग अलग हो सकते हैं, वो हमने आपको बताया कि या तो सेल्फ एक्सचेंज हो सकती है या फिर ये क्या हो सकती है, क्रॉस रिएक्शन हो सकती है। तो ये मेटल सेंटर आपको अलग अलग दिखाने के लिए इसको हमने डार्क किया है, इसको लाइट किया है। तो ये रिडक्टेंट है क्योंकि ये देखिए ये प्लस टू है और ये देखिए डार्क वाला प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गया, और जो ये हल्का है कलर में ये प्लस थ्री से प्लस टू में कन्वर्ट हो गया। तो प्लस थ्री से प्लस टू का मतलब है रिडक्शन और ये ऑक्सीडेंट होगा, और प्लस टू से प्लस थ्री का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। तो ये अलग अलग कलर से हमने इसको दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि रिडक्टेंट, देखिए रिडक्टेंट क्या है, ये एक रिडक्टेंट है, ये एक ऑक्सीडेंट है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये दोनों क्या होंगी, पास में आएंगी और इनका क्या होगा, एसोसिएशन, और जब ये एसोसिएशन करेंगी दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड क्या होगा, जितनी जल्द जितनी नजदीक वो आ सकती है उतना नजदीक वो आएंगी, और उसमें क्या होगा, उसके बाद जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के। ओके, तो इस तरीके से ये क्या बनाएगा, एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले का कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इस ऑक्सीडेंट का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और जो रिडक्टेंट का कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, और इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। देखिए यहां पर से जो ये रिडक्टेंट है इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेंट में, तो क्लोज कॉन्टेक्ट में आए और इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, ये मेटल सेंटर इस मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और जैसे ये ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि एक सक्सेसर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो जो जो पर्टिकुलर जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद भी कुछ बॉन्ड लेंथ में चेंजेस होंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है ये भी इंटैक्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है मतलब आप देखिए प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके ऊपर प्लस टू चार्ज है और इसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज है, तुरंत क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस चार्ज। ओके, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, टू प्लस चार्ज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, जो डार्क वाला था वो प्लस थ्री हो गया और जो हल्का वाला था वो प्लस टू हो गया। तो ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है, और ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, जो चिपके हुए थे जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट थे वो अलग अलग हो
जाएंगे और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक रिडक्टेंट जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और जो एक ऑक्सीडेंट था वो रिड्यूस हो गया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर ये क्या है, रिडक्टेंट, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या होता है, ऑक्सीडेंट। तो ये एक मैकेनिज्म है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की, कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आप देखेंगे क्या इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की। सो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर भी कह सकते हैं हम इसको, इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म किस तरीके के रिएक्टेंट्स में होगा। तो पहला आप देखेंगे कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट के ऊपर, कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का नेचर कैसा है। ओके, तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से जो रिएक्शन है वो तब होती है, कब कब होती है, देखिए मैंने कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन, बोथ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट्स आर इनर्ट। जब जो रिडक्टेंट है, यहाँ पर ये रिडक्टेंट है क्योंकि ये प्लस टू स्टेट है, ये प्लस थ्री स्टेट है। ओके, तो Fe जो है वो प्लस टू है और ये क्या है, प्लस थ्री है। तो जब रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों ही कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो थ्रू टनलिंग मैकेनिज्म होता है, टनलिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो इंटैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब एक एक कॉम्प्लेक्स तो क्या हो, इनर्ट हो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो, वो इनर्ट ना हो, वो लेबाइल हो सकता है, लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेशन सेल है वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड, मतलब उसके पास कोई ऐसा लिगेंड ना हो जो कि क्या कर सके, जो कि ब्रिज बना सके। अगर ब्रिज्ड लिगेंड होगा तो फिर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ब्रिजिंग लिगेंड आ गया तो फिर इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल होगा। और बात मैं यहाँ पर इम्फेसाइज करना चाह रही हूँ बच्चों, कि ये जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बता रही हूँ, देखिए आउटर स्फीयर मैकेनिज्म तो हमने जनरल बताई, और यहाँ पर जो मैं एक और जो आपको मैकेनिज्म है जो स्पेशली जो बात करने वाली हूँ, वो बात करने वाली हूँ मैं किसकी, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम जो जोर देंगे वो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस की हम बात करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्रॉस रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, केवल आपको कुछ जगह पर ऐसी रिएक्शंस दिखाई देंगी जहाँ पर क्रॉस के एग्जांपल्स होंगे, लेकिन एग्जांपल्स केवल आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को बताने के लिए होंगे, उसकी कोई डिटेल्ड स्टडी हम नहीं करेंगे क्रॉस रिएक्शंस की। हम केवल सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जहाँ पर आपको एक ही तरीके के मेटल सेंटर दिखाई देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया है, ये क्रॉस रिएक्शन का हो सकता है, बट क्रॉस रिएक्शंस को हम यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, जब दोनों इनर्ट होंगे कॉम्प्लेक्स तो हो सकती है, जब एक लेबाइल, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो जब एक लेबाइल होगा और एक इनर्ट होगा तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लिगेंड ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि ब्रिजिंग कर सकें। दूसरा आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो लेबाइल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, और दोनों की दोनों स्पीसीज क्या हो सकती हैं, ये क्या हो सकती है, लेबाइल हो सकती है। लेकिन जब ये लेबाइल होंगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई स्टार से पाई स्टार में ही होना चाहिए, तभी ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस पॉसिबल होंगी। ये देखेंगे कि जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें रेट कैसे चेंज होता है, मतलब रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वो फास्ट होगा या स्लो होगा, ऐसा कब होगा, कब रेट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फास्ट होगा और कब वो स्लो होगा, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं स्पेसिफिक। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि दोनों ऑक्सीडेंट एंड रिडक्ट टेंट अगर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं और स्पेशली उनके पास क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, जैसे साइनाइड है, कार्बोनिल्स हैं, डाइपाइरेडाइल है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स अगर हैं तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो फास्ट होगा।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से T2G में होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पाई एक्सेप्टर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो वो जो है पाई स्टार से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये पाई स्टार से पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इसलिए आसान होता है क्योंकि जो T2G ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं T2G ऑर्बिटल, अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो जो T2G ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन दी लिगेंड्स है। जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वहां कौन से लिगेंड होते हैं, वहां कौन से ऑर्बिटल होते हैं, EG। तो T2G को जो है वो जो लिगेंड्स हैं वो अफेक्ट नहीं डालते, तो T2G को जब लिगेंड कोई अफेक्ट नहीं करते हैं इसलिए जो T2G में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से T2G में होगा तो वो आसान होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, फास्ट होता है। ओके, और ये दोनों अगर क्या है, दोनों के पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो दोनों में जो T2G की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर एनर्जी बराबर होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या होगा, आसान होगा। तो क्यों आसान है, क्यों फास्ट ट्रांसफर है, इसलिए फास्ट ट्रांसफर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G से T2G है, वो T2G जिनकी एनर्जी बराबर है। दूसरा आप देखेंगे कि T2G जो है उसको लिगेंड इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसान है। और तीसरा ये है कि जो ML बॉन्ड लेंथ है उसमें बहुत कम चेंज आता है जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। पाई स्टार हमने क्यों कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि कार्बोनिल में पाई स्टार क्या होता है, एम्प्टी होता है। जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए बनते हैं क्योंकि कार्बोनिल्स के पास क्या होता है, जो पाई स्टार होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, इसलिए ट्रांजिशन पाई स्टार टू पाई स्टार होगा। पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स रिडक्टेंट है और ये क्या है, ऑक्सीडेंट का ऑर्बिटल है। तो इस तरीके के जहां पर भी ट्रांजिशन होंगे वो फास्ट होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, फास्ट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, देखिए ये एग्जाम्पल है इसका, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। नंबर वन बात, दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर्ट है। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दोनों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब आप देखेंगे कि ये एक रिडक्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस स्पीसीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आयरन है वो +2 है और यहाँ पर क्या है, +3 है। और ऐसी स्टडी हम जनरली तब कर पाते हैं जब आप देखेंगे कि हम एक जो मेटल सेंटर उसको लेबल करें, तभी ये स्टडी पॉसिबल है क्योंकि दोनों मेटल सेंटर एक से हैं। तो ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस हैं जहाँ पर दोनों मेटल सेंटर एक से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ एक्सचेंज में आपको लगेगा नहीं कि कोई रिएक्शन हो रही है क्योंकि ये स्पीसीज वही है जो यहाँ है और ये स्पीसीज भी वही है, इसलिए लेबलिंग करने से ही पता चलता है कि एक को जब हम लेबल करेंगे तो पता चलेगा कि इस तरीके का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें हो रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G5, Fe3+ है। आप देखिए यहाँ पर जो Fe2+ और CN के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 195 पिकोमीटर और यहाँ पर क्या है, 192 पिकोमीटर। तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ से इवॉल्व होके आएंगे कि ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन के फास्ट होने के लिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे हमें पता लगेगा कि ये फास्ट होगी। ये दोनों क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G6 है। ओके, ये T2G6 है तो ये क्या करेगा, यहाँ ये रिडक्टेंट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस T2G में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, T2G से T2G में। तो ये जो है ये वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, 6। ये क्या हो जाएगी, T2G6। ओके, और ये वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, T2G5। क्या हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से T2G से T2G5, ये 6 हो गया और ये 5 रहेगा। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन का पहला पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से T2G में, तो कैसे कहेंगे हम इस ट्रांजिशन को, हम कहेंगे पाई स्टार टू पाई स्टार। तो जब पाई स्टार से पाई स्टार में होगा ट्रांजिशन तो क्या होगा, बहुत आसान होगा, दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है, इसलिए ये कैसा होगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके, अब आप देखिए जो डिस्टेंस है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो डिस्टेंस एक सी है लगभग, इसलिए दोनों रिएक्टेंट आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। क्योंकि ML डिस्टेंस पे इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रांजिशन क्या है, T2G टू T2G, T2G जो कि अफेक्टेड नहीं रहता है, वहां पर बॉन्ड लेंथ का कोई असर नहीं होता है क्योंकि T2G जहां पर होते हैं ऑर्बिटल, वहां पर लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं इसके पास क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स जहां पर भी होंगे वो क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट्स, ओके, दे फैसिलिटेट्स टनलिंग, वो टनलिंग को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये जो है उस टनल की वजह से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल टू मेटल सेंटर होगा। तो जहां पर भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन T2G से T2G में होगा, जहां पर ML जो लेंथ है वो लगभग बराबर होगी, वो रिएक्शंस कैसी होंगी, दोज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NH3 पाई एक्सेप्टर लिगेंड तो नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, लो स्पिन, मतलब जो रिडक्टेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो ऑक्सीडेंट है उसमें +3 है, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये जो ऑक्सीडेंट है उसका कन्फिग्रेशन T2G5 है और रिडक्टेंट का T2G6 है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की ओर होगा, और आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आप देखेंगे, ये देखिए T2G से T2G में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है। तो जब T2G से T2G में होगा तो क्या होगा, ये एक फास्ट रिएक्शन होगी, यानी फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर होगा। क्यों होगा, पहला पॉइंट हमें मिल गया है क्योंकि T2G से T2G में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो बॉन्ड लेंथ है, जो मेटल सेंटर है और जो NH3 है, वो बॉन्ड लेंथ 210.4 पिकोमीटर है, यहाँ पर 214.4 पिकोमीटर है, लगभग बहुत कम डिफरेंस है। तो इस बहुत कम डिफरेंस की वजह से, 4 पिकोमीटर का डिफरेंस है, तो ये कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है, यानी T2G से T2G में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बहुत अधिक डिफरेंस यहाँ पर नहीं है रेडियस में, जो ML जो लेंथ है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीसीज है इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, T2G6, और इस स्पीसीज का क्या हो जाएगा, T2G5, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, फास्ट रिएक्शन है। तो ये लो स्पिन और लो स्पिन के बीच में रिएक्शन हो रही है, हालांकि यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक फास्ट रिएक्शन है क्योंकि दो पॉइंट कवर हो रहे हैं, T2G से T2G, यानी T2G से T2G का मतलब पाई स्टार टू पाई स्टार हम इसे कहते हैं, जो ट्रांजिशन है उसको हम इसी यही नाम देते हैं, और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सिमिलर है, इसलिए फास्ट रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो रुदीनियम के कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये कैसे हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने की वजह से ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं, और ये रिएक्शंस जब होंगी तो आप देखेंगे ये क्या बनेगा, Ru3+, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो Ru2+ बन जाएगा। ये रिएक्शंस अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये Ru जो कॉम्प्लेक्स है 3+ प्लस Ru क्या बनेगा 2+, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये जो लेबल मिलेगा मुझे जो रुदीनियम है, और यहाँ पर मुझे कहाँ लेबल मिलेगा, दिस वन विल बी द लेबल्ड वन। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन क्यों पॉसिबल है, अब आप देखिए, क्योंकि ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखिए कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट, कहाँ से, T2G से
T2G में. तो जब ये ट्रांसफर होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा, फैसिलिटेट किसको करेगा, टनलिंग को. ये हमने पढ़ लिया है कि टनलिंग, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाए, आसान हो जाए. तो टनलिंग को जो है वो फैसिलिटेट करता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, फास्ट है. ये दोनों रिएक्शंस बहुत फास्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो जो लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है, सॉरी यहाँ पर ये लिगेंड जो है वो आप देखेंगे ये कैसा होगा, CN माइनस. ओके, ये CN माइनस है. तो आप देखिए कि ये जो रिएक्शन है वो भी फास्ट है, और यहाँ पर भी आप देखिए जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का, वो रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की ओर है, और T2G से T2G में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसलिए ये क्या है, फास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा. तो हमने पहली कंडीशन देखी कि फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कब होगा, कब होगा, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, कब होगा, जब T2G से T2G में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, या फिर क्या होगा, लिगेंड्स पाई एक्सेप्टर होंगे, एंड क्या होगा, जो जो चेंज है बॉन्ड लेंथ में वो बहुत स्मॉल होंगे, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कैसा होगा, फास्ट होगा. आप देखेंगे कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को कौन इफेक्ट करता है, अगेन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. तो अगर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के पास सिग्मा डोनर लिगेंड्स होंगे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो ईजी से ईजी में होगा, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में होगा. और जब ट्रांसफर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में होता है, तो क्या होता है, जो ML जो लेंथ होती है वो उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो ईजी है वो ऑर्बिटल्स डायरेक्ट लिगेंड से क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ईजी नहीं होता. तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपने देखा कि पाई जो T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से ट्रांसफर हो रहे थे, क्योंकि उनकी शील्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ईजी ऑर्बिटल्स की क्योंकि शील्डिंग हो रही है लिगेंड से, क्योंकि ये डायरेक्ट अप्रोच में है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतना ईजी नहीं है, इसलिए ये कैसी होंगी, स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. दूसरा, जो ईजी है वो ML बॉन्ड लेंथ को भी अफेक्ट करता है, तो क्योंकि ML बॉन्ड लेंथ को चेंज कर देगा, इसलिए अधिक चेंज करेगा, एप्रिशिएबल चेंज होंगे. ओके, तो इसलिए जो है ये ट्रांसफर क्या है, स्लो होता है, बहुत फास्ट नहीं होता है. तीसरा, आप देखिए जब एक रिएक्टेंट हाई स्पिन होगा और दूसरा रिएक्टेंट लो स्पिन होगा, तो भी क्या होगा, स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. तो आपने देखा कि एक तो जो है वो सिग्मा डोनर लिगेंड अगर होंगे, तो वहां पर अगर ईजी से ईजी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो वो क्या होगा, स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. ऐसे ही अगर हाई स्पिन और लो स्पिन की बात करें, तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो होती हैं जनरली, हाई स्पिन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन, और ये तब होती हैं जब ईजी से ईजी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता. अगर यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है वो T2G से T2G में होता, तो वो क्या होती, फास्ट होती. तो हमें ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है. अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ईजी से ईजी में हो रहा है, तो वो क्या होगा, स्लो होगा. अगर वो T2G से T2G में हो रहा है, तो क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि जहां पर जो चेंजेस हैं बॉन्ड लेंथ में वो अधिक होते हैं, तो वहां पर स्लो रिएक्शन होती है. अगर ये चेंजेस कम होते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है. इस टाइप के जो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, उसका एग्जांपल क्या है, कि अगर कोबाल्ट 2 प्लस हाई स्पिन से कोबाल्ट 3 प्लस लो स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, तो यानी रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की ओर, तो ये इसका एग्जांपल है, जहां पर जो रेट है वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के. देखिए डिटेल में इस एग्जांपल को हम देखेंगे. ये एग्जांपल है जहां पर आप देख रहे हैं, ये CONH3 ऑक्सीडेंट है, और CONH3 होल 6 क्या है, एक रिडक्टेंट है, जहां पर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, लो स्पिन है. तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं, लो स्पिन एंड हाई स्पिन. इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीडेंट है ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, एक लिपाइल कॉम्प्लेक्स है. ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये जो लो स्पिन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6, और इसके हाई स्पिन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G5 Ag2. ओके, तो अब आप देखिए कि ये जो ऑक्सीडेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है,
D2G में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, EG में भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स EG में प्रेजेंट हैं, तो EG जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली लिगेंड की ओर को होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये EG जो है वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रिपल्शन अधिक होगा, और इस रिपल्शन अधिक की वजह से जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होगी C और NH3 के बीच की वो अधिक होगी। EG में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्शन अधिक होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ अधिक होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ईजी में नहीं है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली एम और एल के बीच की जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पर कम है। तो आप देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है और दूसरे रिएक्टेंट में बॉन्ड लेंथ क्या है, अधिक है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ये जरूरी है कि ये बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर होनी चाहिए फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब ये बॉन्ड लेंथ जब बराबर नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होना कठिन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अगर एक कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है एक लो स्पिन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफर है वो क्या होता है, यहाँ पर स्लो होता है, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यहाँ पर होता है। इसको हम और भी एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक हाई स्पिन है एक लो स्पिन है, एक में ईजी में इलेक्ट्रॉन है एक में D2G में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको शो करने के लिए क्या करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर एक एक हमारे पास यूनिट किलोमीटर है दूसरी मीटर है, तो या तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं या मीटर को हम किलोमीटर में बदलते हैं। तो इसी के लिए क्या करना होगा, इसको सेम दिखाने के लिए क्या होगा कि ये हमें ये दिखाना होगा कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा पहले, और ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होंगी। तो इस लंबी प्रोसेस के थ्रू हम इसको दिखाते हैं, और वही हमें बताता है कि क्यों ये जो ट्रांजिशंस हैं ये क्या है, ये आसान नहीं है ये ट्रांजिशंस होने, क्योंकि एक हाई स्पिन है और एक लो स्पिन है, और बॉन्ड लेंथ में क्या है, डिफरेंस होता है। रिएक्शंस को पढ़ने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। अब मैं ऑक्सीडेंट की बात करूं, ठीक है, ऑक्सीडेंट की बात, ऑक्सीडेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G6 EG0, ओके। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, तो पहले ये क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगी, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, T2G5 EG1, ओके, ये इसकी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट। अब हम देखते हैं रिडक्टेंट को, रिडक्टेंट के केस में क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G5 EG2, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले एक्साइटेड स्टेट में, ये कैसे होगा, T2G6 EG1। तो हमें क्या मिल गई, दोनों की एक्साइटेड स्टेट मिल गई, ओके। अब जब हमें दोनों की एक्साइटेड स्टेट मिल गई है, तो अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या करेंगी, ये रिएक्शन करेंगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ये क्या करेंगी, देखिए ये दोनों रिएक्ट करेंगी, और आप देखिए क्योंकि ये एक रिडक्टेंट है, ये जो स्पीसीज है, इसकी एक्साइटेड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। तो आप देखिए ये जो स्पीसीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, T2G5 EG1, ओके। ये एक्साइटेड स्टेट ही है अभी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, ये तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है रिएक्टेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, ओके, ये रिएक्टेंट्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, T2G6 EG1, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये भी एक्साइटेड स्टेट है। और उसके बाद ये जो एक्साइटेड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्राउंड स्टेट क्या थी, T2G5 EG2, ओके, और ये भी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट क्या थी, T2G6 EG0, ये क्या है बच्चों, ग्राउंड स्टेट है, और ये भी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, लेकिन ये किसकी ग्राउंड स्टेट है, ये प्रोडक्ट्स की, ओके। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट्स मिले, ये प्रोडक्ट्स आप देखेंगे
तो अब आप देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो T2G से T2G में हुआ, इसको समझाने में आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर EG था और यहाँ पर EG में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यहाँ पर थे, तो ये बड़ा मुश्किल था समझा पाना। तो इसको समझाने के लिए हमने ये दिखाया कि पहले ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो और फिर वो ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या है, देखिए ये अब क्या हो गया, ये हो गया, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो पहले रिडक्टेंट का था। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस प्रोडक्ट का। तो आप देख सकते हैं जो जो थ्री था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, T2G5 EG2 में, और जो ये वाली जो स्पीसीज थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, T2G6 EG0। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हम इसे समझा सकते हैं। अब ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना, यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, अब आप हमें ये बताइए यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे डेल्टा ओ की जरूरत है। अब ये जो ट्रांसफर है, जो जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होने का जो जो एनर्जी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम होगी तो ये आसानी से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये जो इस जो जो सीरीज है अगर ये ऊपर होगी तो ये उतना आसान नहीं होगा। तो NH3 के केस में ये जो एनर्जी है ये थोड़ी अधिक होती है, इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है जितनी आसानी से H2O के केस में होता है। तो अगर हम NH3 NH3 है हमारे पास, H2O है हमारे पास, F है, अगर हम इनको देखेंगे F माइनस, तो जो NH3 है वो हायर है सीरीज में, तो इसके लिए डेल्टा O की वैल्यू अधिक होगी इसके लिए, और इसके लिए क्या होगी, कम होगी, और इस F माइनस के लिए और कम होगी। तो NH3 अगर लिगेंड होगा तो यहाँ पर ये मुश्किल होगा थोड़ा, इसलिए ये रिएक्शंस कैसी होती है, हमने पहले कह दिया कि ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमने समझाया कि ये स्लो क्यों होती है, ओके? तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने लिगेंड्स को अरेंज किया है, एफ माइनस है, ऑक्सीलेट है, H2O है, NH3 EN फिनाइल एलिनिन एंड साइनाइड। इन लिगेंड्स को अगर आप देखेंगे तो ये फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को, इन लिगेंड्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये जो बीच में जो लिगेंड्स हैं ये स्लो ट्रांसफर रेट इनका होता है। क्यों होता है, देखिए अभी मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि जहाँ पर हाई स्पिन और लो स्पिन की बात है ना वहाँ पर हमें दिक्कत है, कई जगह और भी हमें समझाने में हेल्पफुल होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये इसकी अगर हम बात करें इन लिगेंड्स की, तो ये क्या है, इनकी डेल्टा ओ कम होती है, इनकी डेल्टा ओ कम होती है, तो यहाँ पर एक तो एक्साइटेड स्टेट में भी आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए इनका रेट क्या होता है, फास्टर होता है। अगर हम NH3 और EN को देखेंगे, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास COH2O होल 6 2+, ओके, और प्लस इसके साथ COH2O होल 6 3+ का ये रिएक्शन होनी है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये फास्ट होगी, और अगर यहाँ पर लिगेंड NH3 होता तो वो उतनी फास्ट नहीं होती, क्योंकि ये बीच के जो लिगेंड्स हैं ये स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करते हैं, ये फास्ट शो करते हैं और ये भी फास्ट शो करते हैं। तो ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये कन्वर्ट होना है बीच में, वहाँ पर डेल्टा ओ की ज़रूरत है, और H2O की जो डेल्टा ओ है वो NH3 से क्या है, कम है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, किससे, NH3 अगर लिगेंड होगा तो उससे ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, ओके, समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल में, बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर एक लिगेंड वीक है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, और अगर
एक लिगेंड जो है वो क्या है, अगर वो बीच में है तो वो जो है वो स्लो रिएक्शन शो करता है। अब देखिए ये क्यों फास्ट शो करते हैं, ये फास्ट इसलिए शो करते हैं, अब यहाँ पर डेल्टा ओ का चक्कर नहीं है, यहाँ पर क्या चक्कर है, यहाँ पर जो बात हम कहेंगे वो कहेंगे पाई एक्सेप्टर पावर की। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं ये, तो ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर होंगे तो फास्ट होगी रिएक्शन, जबकि हमने पहले कहा था अगर सिग्मा डोनर होते हैं तो क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन यहाँ पर कई जगह पर अगर ये फास्ट है तो फास्ट क्यों है, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है, टी टू जी से टी टू जी में, ये भी हमें ध्यान देना होगा बच्चों, अगर टी टू जी से टी टू जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो वो फास्ट होगा। फास्ट कब होगा, जब लिगेंड अगर सिग्मा डोनर भी होंगे तो भी, ठीक है। और यहाँ पर क्यों हो रहा था, यहाँ पर इसलिए दिक्कत आ रही थी, आपने देखा एक कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन था एक लो स्पिन था, इसलिए भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए रेट क्या था, स्लो था। तो मेरे ख्याल में अब आपको काफ़ी यहाँ पर समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कहाँ पर स्लो होंगी और कहाँ पर फास्ट होंगी। ओके, अब ये एक एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक, अब मैंने आयरन की स्पीसीज ली है, जो कि मैंने कहा था कि ये स्पीसीज भी जो है वो क्या होती हैं, ये भी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन शो करती हैं। तो ये एक ऑक्सीडेंट है और ये एक रिडक्टेंट है, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टी टू जी थ्री ई जी टू, टी टू जी फोर ई जी टू। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टी टू जी से टी टू जी में ही होना है, तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। बट ये रिएक्शन फास्ट नहीं होती है, ये रिएक्शन फास्ट क्यों नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पर दिक्कत आ गई जो बॉन्ड लेंथ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है आप देख सकते हैं एक रिएक्टेंट में, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है, 78 पिकोमीटर, जो कि ऑक्सीडेंट है, और दूसरे में कितनी है, 92 पिकोमीटर। और ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको चेंज नहीं होना चाहिए, एप्रिसेबल चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और अगर ये चेंज आ गया है तो फिर ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी, ये रिएक्शन स्लो होती है। तो आपको एक रिएक्शन के स्लो या फास्ट होने में क्या क्या चीजें दिख ली, देखिए टी टू जी से टी टू जी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो होता, लेकिन क्या है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, दिक्कत आ गई है जो 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 लेंथ है एम एल जो लेंथ है उसकी दिक्कत आ गई है, एफ ई थ्री प्लस और ओ के बीच में, एफ ई टू प्लस एंड ओ के बीच में ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस को कवर अप करना मुश्किल है। तो फ्रैंक कॉन्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, स्लो होगी। ओके, अब देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, एक कहा था क्रॉस रिएक्शन होती है और एक होती है कैसी रिएक्शन, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर ये जो रिएक्शन है ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है, और यहाँ पर आपको लगेगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, तो कोई नेट केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती। जो क्रॉस रिएक्शन होती है वो मेटल सेंटर देखिए आयरन है और मॉलिब्डेनम है, और यहाँ पर क्या लगेगा कि हाँ रिएक्शन हुई है, नेट केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि एमओ जो है वो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस फाइव थी, यहाँ पर कितनी हो गई है प्लस फोर, तो एमओ जो है वो प्लस फाइव से प्लस फोर में चला गया, एफ ई जो है प्लस टू से प्लस थ्री में चला गया, तो इसलिए यहाँ पर हमें नेट रिएक्शन दिखाई देती है। अगर हम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म देखें इस तरीके के दो, तो हम ये देखेंगे जो क्रॉस रिएक्शंस होती हैं ये फास्टर होती हैं, और जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं वो स्लोअर होती हैं। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो है जो जो क्रॉस रिएक्शन से ये फास्टर होंगी और जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से ये स्लोअर होंगी। ऐसा क्यों होगा, इसको हम जब क्रॉस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर हम मार्कस और थ्योरी भी पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्यों क्रॉस रिएक्शंस का रेट फास्टर होता है और जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं वो स्लोअर होती हैं। और अगर हम इन रिएक्शंस को देखेंगे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू, तो आप क्या देखेंगे, ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक होगा और ना ही कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
ओके, तो इस तरीके से अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हमने कोशिश करी है कि हम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को समझा पाएं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, देन द सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि ऑक्सीडेंट स्टेट चेंज हो गई दोनों सेंटर्स की। तो ये मैकेनिज्म है जहां पर आप देखेंगे कि ये कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड यहां पर नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सैलिएंट फीचर्स हमने देखे कि ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कहां कहां मिलती है, जब दोनों इनर्ट हों तो हम देखेंगे, अगर जो है वो एक इनर्ट हो एक लेबाइल हो तो भी हमें ये देखने को मिलेगी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, और अगर दोनों लेबाइल हो तो भी हमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म देखने को मिलती है। अब रेट अगर हम देखें तो रेट कहाँ पर फास्ट होता है, हमें दिमाग में रखना है, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड जहाँ होंगे वहाँ फास्ट होगा, दूसरा हमें देखना है जहाँ पर T2G से T2G में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तीसरा हमें देखना है कि जो ML बॉन्ड लेंथ है उसको बहुत अधिक चेंज नहीं होना है, और ये T2G जो है वो क्योंकि शील्डेड नहीं होता है लिगेंड से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है आसान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होता है। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे यहाँ पर कुछ, और फिर हमने देखा कि अगर सिग्मा डोनर लिगेंड हैं और जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो ईजी से ईजी में हो रहा है, तो ये आसान नहीं है ईजी से ईजी में होना, क्योंकि ईजी जो है वो शील्डेड होते हैं लिगेंड से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसान नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होते हैं स्लो होते हैं। लेकिन अगर सिग्मा डोनर लिगेंड हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर T2G से T2G में हो रहा है तो वो क्या होगी फास्ट रिएक्शन होगी। फिर आप देखिए अगर हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, तो अब एक हाई स्पिन है एक लो स्पिन है, तो उनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा होता है स्लो होता है, क्योंकि जनरली जो ML में बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है वो बहुत हाई होता है। ये एग्जांपल मैंने आपको शो किया था कि एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरीके से यहां पर स्लो रिएक्शंस होती हैं। फिर आप देखेंगे लिगेंड पर भी डिपेंड कर रहा है, ये आपने देख लिया सिग्मा डोनर लिगेंड है, ये बीच में कुछ लिगेंड्स हैं, ये अपर साइड में है, ये पाई एक्सेप्टर है तो फास्ट शो करेंगे, ये बीच में है ये स्लो रिएक्शन करते हैं ओके, क्योंकि इनकी डेल्टा वो जो है वो अधिक होती है, इनकी डेल्टा वो कम होती है, तो ये फास्टर रिएक्शंस शो करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, और फिर हमने देखा कि अगर क्रॉस रिएक्शंस होंगी तो उनकी रेट जो है फास्टर होगा सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, स्पेशली हमने यहाँ पर डिस्कस किया सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस को, और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, और किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में जो रेट है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का फास्ट होगा और कहाँ पर स्लो होगा वो हमने देखा। ओके, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रॉस रिएक्शंस, कि जो क्रॉस रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, और उसके साथ हम पढ़ेंगे मार्कस-होस्ट थ्योरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।